हेलो हेलो, बिफोर आई ऑफिशियली स्टार्ट माई व्लॉग फॉर टुडे, ये देखें इतनी क्यूट सी पेंटिंग्स हैं जो कि हमें हमारी एक कज़न ने बना के दी हैं, एंड माई मदर इन लॉ थॉट कि इनको हम फ्रेम में करवा लेते हैं ताकि घर पे लगाएं। और अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि आपके घर में चीज़ें बहुत महंगी हैं। महंगी नहीं है, एक्चुअली ये सेंस है कि किसी ने आपको एक पेंटिंग बना के दी जो कि एक पेपर पे है, और आपने उसको इस तरह से फ्रेम में लगवाया जो कि बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, और दीवार पर लटका दिया। मैं सोई को खामोश होने का बोल रही हूँ, आपित सो रहा है, और सोई ने शोर मचाया हुआ था कि मुझे अंदर आने दो सुबह सुबह 8 बजे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा अब्रार एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। हो चुकी है सुबह मेरी और मैं बस तैयार हो गई हूँ, AIY की गाड़ी का वेट कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आजकल ट्रांसमिशन चल रही है, लेकिन आज के दिन में क्या क्या होने वाला है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और दिखाऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर एंड कमेंट्स में बताइएगा कि क्या देखना चाहते हैं। ऑल्सो उस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। ओके, सो अभी AIY की गाड़ी बस आएगी और मैं जाऊँगी मेकअप कराऊंगी, जैसे कि कल आपने देखा था। एंड बाल मैंने नहीं धोए हैं बिकॉज गीजर गैस पानी मसले मसाइल, सो क्योंकि कल ही धोए थे मैंने बाल, बिल्कुल मैं शावर लेके गई थी, बॉडी शावर मैंने ले लिया है और इसी को मैं कुछ करवाऊंगी, प्रॉब्ली स्ट्रेट करवाऊंगी या टोंग करवाऊंगी, आई विल सी। एंड व्हाट एल्स, आज हमें एक अफ्तार पार्टी पे जाना है। सो हम क्या करते हैं कि हम हमारे इन लॉज के यहाँ यूजुअली अफ्तार कर रहे होते हैं, हम अपने हेल्पर्स को, दो हेल्पर्स को लेके जाते हैं और वो उनको भी हेल्प करते हैं बाद में डिशेस भी करवाने के लिए। आज क्योंकि हमें अफ्तार पार्टी में जाना है तो हमारे जो हेल्पर्स हैं वो घर पे अफ्तार करेंगे, तो उनको अभी मैंने पूरी लिस्ट बताई है कि आप लोगों ने क्या क्या अपने लिए बनाना है, कहाँ कहाँ से चीज़ें निकालनी है। कि हमारा अफ्तार तो बाहर होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, फॉर श्योर। आज का मेरा प्लान ये है दोस्तों कि मुझे घर आके एक छोटा सा नैप लेना है। कल मैं इतना थक गई थी। कल हम अफ्तार के बाद एक कुरान क्लास पे गए और उस पर पता नहीं क्या बात हो रही थी, मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है और मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। सो मैं बहुत थक गई थी। यू नो, जब आपका कोई पहला दिन होता है काम पे या कहीं भी तो कितना थक जाता है, वो वाली थकन थी। बट आई रेस्टेड इट आउट, आई स्लेप्ट अ लॉट एंड बस अब निकलेंगे AIY के लिए इंशाल्लाह। ये आप तरीका चेक करें चीज़ें रखने का, मेरा वेरी क्लमज़ी, वेरी वेरी क्लमज़ी। You know that feeling when you're talking to your bestie on voice notes, par 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 par. This is the feeling that I have right now. कि मैं पूरे रास्ते अपनी फ्रेंड से बात करूँ। AIY में पहुँच चुकी हूँ, जल्दी जल्दी से कराएंगे अब मेकअप, पढ़ेंगे ब्रांड पॉइंटर्स और जाएंगे सेट पे। बालों और मेकअप की बड़ी तारीफ कर रहे थे। बहुत बिल्कुल नीचे से कीजिएगा क्योंकि मुझ पे ना ऊपर पे टोंग नहीं, ऊपर नहीं करनी, बस नीचे से। हां बिल्कुल नीचे, नीचे लूज लूज से करते हैं क्योंकि हुए हुए ना, बस क्या आ आयरन। अरे वो टोंग आप वो कह रहे हैं बीच फेस वाला है, जहाँ जब टोंग वो करो आयरन में, बीच फेस वाले मेरे माइंड में था लेकिन किसी और ड्रेस के साथ। चलिए बस सही, क्योंकि आज हम ना सिर्फ आयरन से हल्के से रिमूव कर देंगे नीचे नीचे वाले। जब मेरा ड्रेस बहुत प्लेन होगा ना तो उस पे बीच फेस और कुछ चाहिए। ये प्लीज इस्त्री कर दीजिएगा और वाइट दुपट्टा, दो दुपट्टे इस पे दोनों प्लीज इस्त्री कर दीजिए। जो मेरा मेकअप करती हैं उनका नाम है मूना, और जो मेरे बाल बनाते हैं उनका नाम है जहाँज़ेब। ही सच अ कूल गाय। मूना भी बड़ा अच्छा मेकअप करती हैं, नेचुरल सा, और जहाँज़ेब को भी जैसे बाल बोले वो बनाते हैं, और फिर हमेशा रोज़ाना हम कोई ना कोई चेंज भी कर रहे होते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, बाल उन्होंने कुछ किया था, मैंने कहा नहीं आप इसको इस तरह की बजाय इस तरह करते हैं आज, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ श्योर वाई नॉट। मतलब इतनी कोई इतने ओपन हैं टूवर्ड्स कि भाई क्या करना है, किस तरह करना है, कोई बात बिला वजह माइंड नहीं, वेरी नाइस, वेरी प्रोफेशनल, खुश अखलाक, तो बड़ा मज़ा आता है AIY के मेकअप रूम में जो है ना, बड़ा सकून। ओके
ऑल राइट रेडी हम हो चुके हैं. ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है. अभी दुपट्टा हम पहनेंगे लेकिन दुपट्टे से पहले माइक लगेगा बिकॉज उसके बाद दुपट्टा लगने में प्रॉब्लम है. एंड हेलो आप आ रही है कैमरे में. अच्छा हाय. ये मेरा मेकअप किया हुआ है. मेकअप ARY टीम है. ARY टीम सब बड़ी तारीफ कर रहे थे. मुनाफा आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और जहाजेब आपके वालों की बहुत तारीफ. थैंक यू. रेडी मैं हो गई हूँ. पॉइंटर्स मेरे पास हैं. पर कुछ नहीं मैं कैमरे से बात कर रही थी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू द सेट. एक चीज़ जो मैं ARY पे बहुत ही माइंडफुली करती हूँ वो ये है कि मैं हील्स नहीं पहनती हूँ बिकॉज चलना है काफ़ी. एंड नाउ सी यू गाइस. सर पे मैं पहुँच चुकी हूँ. मुझसे पहले एक सेगमेंट होता है जिसमें नाते होती हैं. तो जब तक मेरे बाल सेट हो रहे हैं और बहुत ही बुरे तरीके से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है. सो सॉरी फॉर दैट. बस इस टाइम मैं अपने पॉइंटर्स दोबारा से पढ़ूंगी और तैयारी करूंगी किचन में जाने की, रेसिपी को चेक करने की, क्योंकि लाइव शो है. बिल्कुल टाइम नहीं होता किसी भी एरर का. मुझे आई थिंक मेकअप कहाँ है? वही है ना? सही जा रही हूँ ना? अच्छा मेरे साथ अभी कोई आए थे वो पता नहीं कहाँ चले गए. आई एम लाइक ओह माय गॉड आई एम लॉस्ट. मुझे कहाँ जाना है क्योंकि अच्छा साथ ही है वो लेकिन थोड़े से आगे थे. तो अब बस ये ऑडियो निकलेगा. एंड आई एम सो सॉरी मैं आपको आज फिर से सेट नहीं दिखा पाई बिकॉज वो बड़ा एक जल्दी जल्दी वाला सीन होता है. थैंक यू. एंड बस अब मैं ऑडियो निकालूंगी. अच्छा जी ऑडियो जो है वो उतर चुका है. रोज मैं अपना ऑडियो कहीं पीछे कहीं यहाँ घुमा देती हूँ. एंड मुझे आप जब क्या देती हो आप उलझा देती हूँ. उलझा देती हूँ. हाँ उलझा देती हूँ. तो आज से तो नहीं नेक्स्ट टाइम मैं उलझाऊंगी नहीं. वो खुद ही हेल्प कर देंगी मुझे निकालने के लिए. सो दिस इज इट. नाउ आई विल गो होम एंड रेस्ट फॉर अ बिट. एंड देन उसके बाद फिर जो अफ्तारी पे जाना है आई विल मेक श्योर दैट आई टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी. सो सी यू इन अ बिट. अच्छा अब मैं घर ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हूँ. एंड आई एम गोइंग टू गेट दोज ओट मील. एंड इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल. आप इनको बड़े अच्छे लगे. वो सैरी में खाता है बनाना फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वो मैं लेने लगी हूँ. फिर मैं अपने लिए कुछ रामेन नूडल्स लेने लगी हूँ फॉर इफ्तार. अच्छा मुझे लेने हैं नूडल्स. नूडल्स हैं वहाँ पे. ये ले लेती हूँ और ये ओट्स भी चाहिए मुझे. दो ये ले लेते हैं. घर पे चल के रही हूँ और ये नेबर्स ने कुछ भेजा है हमारे. मुझे इतने सारी इंटरेस्टिंग किस्म की PRs आती हैं बट जब कुछ शान भेजता है ना तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है. बिकॉज आई नो आई एम अ शेफ़ एंड ऑल बट आई लव शान के मसाले. मुझे सारे मसाले इतने पसंद हैं शान के. निहारी बिरयानी चाट मसाला. आई थिंक शान इज़ द बेस्ट ब्रांड आउट देयर. एंड गाइस दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. अभी मैं यूट्यूब पर इतनी बड़ी नहीं हुई. जब हो जाऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी. तैयार हो गए और ये मेरा फेवरेट अब से कुर्ता होने वाला है. इतना आसान है इसको पहनना. इट्स लाइक अ नो एफर्ट थिंग बट स्टिल क्योंकि वाइट है और जनरेशन है लाइक इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्टिल फिर भी बड़ा अच्छा लगता है. एंड अभी मेरी फ्रेंड एंड ब्लॉगर है सिलता मैनार. उससे मैंने भी बात हो रही थी. शी वाज लाइक आर यू लाइक सीरियस तुम डेली ब्लॉगिंग कर रही हो. सो हाँ अभी मुझे फील हो रहा था कि मैं क्यों डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ. बट अभी मैं ऐसे नैप लेके उठी हूँ कि मुझे आप कहते हैं अरे यार थोड़ा सा और सो जाते हैं वो वाला नैप है. बट या अफ्तार. ये मेरे मियाँ का चश्मा देखिए. शलवार कमीज के साथ जॉगर्स एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं. बहुत अच्छे लग रहे हैं. आई थिंक वो ब्लैक हैं तो इसलिए ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. नीचे से बस वाइट है. क्यूट बाय.
मेरा दिल चाह रहा है, वो जो दही फुल्की होती है ना, वो हो आज इफ्तार में, क्रेविंग दही फुल्की। लोकेशन पे आ गए और हमें एक अवार्ड मिलना चाहिए खाली हाथ लोगों के घर जाने पे। फ्री हम हो गए हैं वेंट से, बहुत खा लिया। फूड वाज फ्रॉम चेयरमैन माओ, चाइनीज था, एंड बस अब घर जा रहे हैं। स्नोई को प्यार होगा, व्लॉग एडिट होगा और पोस्ट होगा आप लोगों के लिए। ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पे एंड। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर, कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं एंड बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। सी यू टुमॉरो नाउ।